हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में हम अपने साइड बार विजेट को फिक्स्ड पोजीशन करना सीखेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मेरा जो ब्लॉग पेज का साइड बार है, जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये स्क्रॉल डाउन करने पे ऊपर छिप जाता है, हाइड हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसे स्टिकी बनाना, तो इसके लिए मैं एक प्लगइन यूज करूँगा। तो सबसे पहले अपेयरेंस से मैं जाऊँगा और यहाँ से, सॉरी अपेयरेंस नहीं, प्लगइन्स पे ओवर करने के बाद यहाँ से एड न्यू पे क्लिक करूँगा। एक प्लगइन है, उससे पहले सर्च कर लेता हूँ, जिसका नाम है Q2W3। फिक्स्ड विजिट ये फ्रेंड्स, आपको ये विजिट दिख रहा है, एक प्लगइन दिख रहा है जो Q2W3 फिक्स्ड विजिट फॉर द वर्डप्रेस है। आप इसका यूज करके अपने साइड बार के विजिट को स्टिकी बना सकते हैं। तो इसे मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया फ्रेंड्स। ये फ्रेंड इंस्टॉल हो चुका है, बस इसे सिंपल एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट कर दिया फ्रेंड्स। अब मैं इसे अपने अपीयरेंस से विजिट पे क्लिक करना है। मुझे स्टिकी बनानी है जिस विजिट को, मैं इसे स्टिकी बनाता इसे फिक्स विजिट कर देता हूँ। इसको भी फिक्स कर देता हूँ, आप जिसको चाहे फिक्स कर सकते हैं, वो स्क्रॉल डाउन पे भी आपको दिखेगा। तो मैं इसे एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये स्टिकी हो चुका है, ये यहाँ पे आपका, इस तरह से आप बना सकते हैं, अपने फिक्स्ड विजिट कर सकते हैं। तो मैं इसे फिलहाल सबको मैं फिक्स कर देता हूँ, सेव, और इसे भी सेव कर देता हूँ। अब मैं इसे रिफ्रेश करके आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ वो फिक्स पोजीशन पे। देखिए फिर ये फिक्स हो गया इस तरह से, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये एक बग है, जबकि स्क्रॉल करते हैं तो ये अभी भी मैं फुटर में आता हूँ। तो इसे को फिक्स करने के लिए हमें यहीं पे, जब स्क्रॉल डाउन हो तो यहीं पे ये कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए मैं एक, इसके सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे आप अपियरेंस से आप देख सकते हैं फिक्स विजिट ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या तो उस प्लगइन से, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ प्लगइन पे गए और उसके बाद फिक्स विजिट, यहाँ पे सेटिंग, दोनों जगह से एक ही पेज पे रिडायरेक्ट होगा सेटिंग के पेज पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लो कि इसे मैं मार्जिन बॉटम से 700 पिक्सल कर देता हूँ। जब बॉटम पे ये 700 पिक्सल आए तो ये बॉटम से उससे नीचे ना जाए। तो अब मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ फ्रेंड, इसे रिफ्रेश करने के बाद मैं एक बार स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इससे अब नीचे नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आपसे आप देख सकते हैं, ये विजेट बहुत अच्छा है जिसका आप यूज करके, प्लगइन बहुत अच्छा है जिसका यूज करके आप स्टिकी अपने विजेट को बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये टच नहीं हो रहा है। एक दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आईडी का, अगर आप ये बॉटम अगर नहीं देना चाहते हो, जैसे यहाँ पे 0 कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ, तो इसमें आप स्टॉप आईडी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके थीम में हो तब ये आप डाल सकते हो। तो मैं अपने थीम के फुटर में एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे अगर आईडी है
तो ठीक है, नहीं तो अगर किसी और थीम को मैं एक्टिवेट करके दिखा सकता हूँ, दिखा दूंगा। मेरे इस थीम में आईडी नहीं है, तो मैं इसके लिए कोई और थीम एक्टिवेट करके बता देता हूँ। नहीं तो आप इस ऑप्शन के थ्रू आप काम चला सकते हो, मार्जिन बॉटम से आप जितना पिक्सल 500 700 जितना आपको बढ़ा घटा के आपको यहाँ से चेक कर लेना है फ्रेंड्स। तो चलिए दूसरा थीम मैं एक्टिवेट करके आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए अपियरेंस से मैं थीम पे क्लिक करके नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। नए टैब में मैं इस थीम को किचन डिजाइन को मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। इसमें चेक करता हूँ कि इसमें आईडी है कि नहीं फुटर में, और इसे अब रिफ्रेश करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये चिपक, ये नीचे से चिपक जा रहा है, तो इसको पहले मैं देख लेता हूँ इसमें आईडी हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें आईडी है, कॉपीराइट, सिर्फ इसको कॉपी करना है और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप आईडी में पेस्ट कर देना है और इसे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा फ्रेंड्स, तो ये आप देखेंगे कि ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब स्टिकी है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इसमें नीचे से ये इसमें जो चिपक रहा था वो नहीं, अब ऊपर है उससे थोड़ा। तो आप इस अगर आईडी दे दोगे तो वो ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं तो आप इससे भी आप काम चला सकते हो। मान लो कि अगर आपके थीम में आईडी नहीं मिला आपको, तो यहाँ से इसका तो अगर 700 डाल दूंगा तो फूटर से बहुत ऊपर हो जाएगा ये। देखिए तो इसको मैं पहले 700 डाल के 700 पिक्सल दिखा था, उसके बाद में एडजस्ट करके कम कर दूंगा इसको। देखिए फ्रेंड्स, ये स्टिकी है ये लेकिन बहुत ज्यादा है। ठीक है, 700 इसको मैं 100 पिक्सल पे कर देता हूँ और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप फिक्स विजिट का बना सकते हो, फिक्स विजिट को अपने फिक्स कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट में लिखना कि ये आपको प्लगइन कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।